अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन गाइस। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि वो भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कि पाइथन और सी प्लस प्लस में बेसिकली क्या डिफरेंस है और लोग आज के इस दौर में क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं पाइथन को। आपको मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करता चलूँ बेसिकली कि भाई हमारी क्या है, सी लैंग्वेज भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है और पाइथन भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे जैसे हम अपने डिजिटल वर्ल्ड में मूव हो रहे हैं तो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू इम्प्लीमेंटेशन डेली बेसिस पर रिसर्चेज हो रही हैं डेली बेसिस पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर कहते हैं पाइथन इज़ अ फास्ट एंड मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, इट्स ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसको हम आजकल कह रहे हैं कि भाई पाइथन भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि भाई हम सी प्लस प्लस को भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है ना वो किस चीज़ का बेसिकली, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मेन डिफरेंस विथ कोडिंग। लेट सपोज, चलो मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है पाइथन के अंदर तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जस्ट मैंने यहाँ पे एक पाइथन की फाइल क्रिएट की है हेलो वर्ल्ड के नाम से, मैंने पहले से सेव की हुई है। मैं यहाँ पे जस्ट एक प्रिंट कमांड आती है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट कमांड आती है, मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा और अब देखना आप में मेरे पास मैसेज भी प्रिंट हो गया, जनरेट हो गया। इट मींस जस्ट एक लाइन ऑफ कोड के अंदर आप हेलो वर्ड प्रिंट कर सकते हैं गाइज। लेकिन वही काम अगर आप सी प्लस प्लस में जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करना होता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट मैन, देन हम आ जाएंगे मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मैं सी आउट, हेलो वर्ल्ड, हाँ जी। अब मैं क्या कहता हूँ, टर्मिनेट रिटर्न जीरो, देखें गाइज, अब देखें मैं क्या करता हूँ, इसको भी चलो एग्जीक्यूट कर देखने का, मेरे पास जो कहीं गलती तो नहीं, कंपाइल एंड रन। अब देखते हैं, आई थिंक सो क्या कोई एरर नहीं है क्योंकि इतना प्रोसेस हो चुका है तो हमारे पास अभी जल्दी से कंसोल पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। देखें आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड गाइज। अब बात यहाँ पर आती है कि मैंने पाइथन के अंदर सिर्फ एक लाइन की कोडिंग की और सी प्लस प्लस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स ऑफ कोड मैंने यहाँ पे लिखे। इट मीन्स अब मैं आपको मेन डिफरेंस यहाँ बताता हूँ, पाइथन क्या है, इजी टू यूज एंड फास्ट। द सेकेंड थिंग इज दैट मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट सी प्लस प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, लेकिन अगर आप इसको एज अ बेसिक लेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं बेसिकली के बेसिक होती क्या है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है सी प्लस प्लस की तो आपको पता होगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है, इंट मेन क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है मेरी सी प्लस प्लस की पूरी एक प्ले लिस्ट है, आप उसको जाके वॉच भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है गाइज। बेसिकली उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे समझाया है, मैंने यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसने आपको प्रैक्टिकली समझाया हो कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज आपका मुझे मेरे ख्याल से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि मोस्टली जो आज के दौर में 2021 के दौर में के क्यों प्रेफरेबल दी जाती है हमारी पाइथन लैंग्वेज को, क्योंकि फास्ट है, लाइन्स ऑफ कोड हमें कम लिखने पड़ते हैं और बेसिकली कंफर्टेबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे एक बात आपको कहूँगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ सी प्लस प्लस को टाइम दें। जब तक आप अपना सी प्लस प्लस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप पाइथन पे भी काम नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आप बहुत होशियार हैं वो मैं नहीं कह सकता गाइज। तो उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली मेरे इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। अगर प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होनी जरूरत थी, तो मैंने यहाँ क्या डेव सी प्लस हमारा जो मोस्टली यूज होता है हमारे सी प्लस, तो मैंने यहाँ पर उसको इंस्टॉल किया। एंड द सेकंड वन इज लास्ट माय फेवरेट पाइचाम, जिसमें मैं कोडिंग करता रहता हूँ और आपने मेरे को वीडियोज में भी देखा होगा। तो गाइज उम्मीद है आपको यहाँ पर आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज गाइज गाइज। अभी वीडियो कम्प्लीट नहीं हुई, जैसे ही मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इफ़ यू आर न्यू कमर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। गाइज थैंक यू सो मच।